S22FE कैंसिल हो गया है और A74 भी कैंसिल हो गया है। अब S22FE आने वाला है A74 के रूप में, यानी S22FE भी आ गया और A74 भी आ गया। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्यों है भैंचोद? शांत रहो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम सभी जानते हैं कि S22FE जो है वो कैंसिल हो गया, लॉन्च नहीं होगा। ये मैं जो न्यूज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में मैं यही कहूंगा RIP4 फैन एडिशन सीरीज। और A74 की भी कैंसिल होने की यहाँ पे बातें चल रही थी। रीजन फार प्राइस, क्योंकि A73 की प्राइसिंग जो थी ना वो 40 को यहाँ पे पार कर गई थी और उतने लायक वो फोन था नहीं, तो यहाँ पे लोगों ने स्मार्ट खेला भाई और A53 बाय करके खुश हो गए। और जितना सोचा था सैमसंग ने कि भाई A73 की इतनी हम स्टॉक बेच देंगे, तो लाइक वो स्टॉक ना यहाँ पे कहीं ना कहीं रह गई। तो सैमसंग ने यहाँ पे ये सोचा होगा कि यार A73 तो बिका नहीं, तो A74 हम लॉन्च ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये रीजन हो सकती है जिसकी वजह से बातें निकल के आ रही थी कि A74 यहाँ पे नहीं आने वाला है। ये प्रॉपर मेरी थ्योरी थी, यहाँ पे ये चीज गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मेरे दिल से आवाज आई वो मैंने आप लोगों को बताई। लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, जब तक तुम सब्सक्राइब नहीं करोगी ना। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि काफी सारे लीक्स आ रही हैं जहाँ पे ये हमें बताया जा रहा है कि S22FE जो है वो A74 के नाम से आने वाला है। Samsung Galaxy S22FE is reportedly going to replace the Samsung Galaxy A74 smartphone. A74 होने वाला है, वही Samsung S22FE के नाम से शायद आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका लुक्स वगैरह कैसा होगा ना, ये चीज तो कंफर्म नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के लुक्स निकल के आ सकते हैं। सबसे पहला, जो S22 जैसा मिलता है वैसा ही सेम हमें देखने को मिल जाए, जैसा कि हमें एक FE सीरीज देखने को मिला भी है, या फिर जो रिसेंटली यहाँ पे रेंडर्स आए हैं A54 के, वैसा भी यहाँ पे हो सकता है लुक्स इसके, या फिर इन दोनों का मिश्रण भी दोस्तों यहाँ पे हो सकता है, जैसे हमें नोट सीरीज और एस सीरीज को मिला के S22 अल्ट्रा देखने को मिला है। लेकिन ज्यादातर जो चांस लग रहा है, जहां तक मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि A54 जैसा यहाँ पे लुक्स होगा, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है A53 को और A73 को, दोनों का एग्जैक्टली सेम डिजाइन था। तो यहाँ पे बातें निकल के आती कि भाई स्पेक्स कैसी होंगी। तो देखो, FE का मतलब होता है फैन एडिशन, और इसमें वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जो कि हमें एस सीरीज के फोन में देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने पास्ट में कई सारे FE सीरीज के फोन्स में भी देखा है। तो आई होप फ्यूचर में भी वैसा ही हमें चीजें देखने को मिले, कि जैसा हमें S22 में देखने को मिलता है वैसे ही हमें A74 में भी देखने को मिले। लाइक एक फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले, लेकिन इसका साइज काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, 6.1 इंच का है, तो यहाँ पे साइज काफी ज्यादा लाइक मैटर करता है, कंफर्ट रहेगी। और यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 प्रोसेसर होगा, 50+12+10 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा सेटअप वगैरह होंगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वही सारी चीजें होंगी जो कि हमें S22 में देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज है जिसमें हमें कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलेंगे, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि S21 में ना हमें लाइक बैक में प्लास्टिक देखने को मिली थी, लेकिन S22 में यहाँ पे ग्लास की देखने को मिली विक्टस प्लस की, और उसमें हमें एक मेटल की फ्रेम भी देखने को मिलती थी। तो वो चीज शायद से कंटिन्यू ना रहे FE सीरीज में, लाइक A74 में कह सकते हो कि वहाँ पे प्लास्टिक की बैक भी मिलेगी और प्लास्टिक का फ्रेम भी मिल सकता है। लेकिन ये चीज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, लाइक A सीरीज की जो प्लास्टिक होती है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की यूज की जाती है, जैसा कि यहाँ पे A54 में भी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो, मैंने सारी चीजें बता दी है। और OnePlus 11 भाई गॉडफादर फ्लैगशिप आने वाला है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। OnePlus को संभालती नहीं है तो भाई इतनी ज्यादा सीरीज क्यों बनाते हैं।